कुछ ये जो ये कैमरे के पीछे हो रहा था इसके मुंह में डाल देंगे। तेरे मुंह में डालूंगी मैं। यार वो पीछे बेवकूफ है यार, रोज सिगरेट की डिब्बिया पटक के जाता है जान पूछ के मेरे पेड़ों में। कुत्ती रोज आती है इधर। आ बाबू भगाए बते से, इसको रोटी देंगे। तो ये कुत्ती है ना, एक दो दिन हमारे घर आई थी तो मैंने इसको रोटी डाल दी, फिर उसके बाद ये रोज आने लगी। चलो रोज आने लगी उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, रोटी डाल देंगे तो कौन सा कुछ कम हो जाएगा। लेकिन कई बार लगी लगा के रोटी डाल दी थी तो ये खा लेती थी और अब इसे फिर मैंने बिना घी की रोटी डाली बच्ची तो ये उसे छोड़ के चली जाती थी और नहीं खाती थी। तो ये देखो ये इतनी क्या बोलूं अब इस कुत्ती को ये नहीं पता जब इसे यहाँ से रोटी मिलना बंद हो जाएगी तो ये खाएगी क्या, क्योंकि आसपास कोई भी घर है नहीं जो इसे रोटी दे दे। और जंगली कुत्तों जंगली कुत्ती कुत्तियों को तो कोई रोटी देता भी नहीं है हमारे अलावा, घर में घुसने भी नहीं देते। लेकिन इस कुत्ती को मिला मैंने, इतनी चटोरी हो चुकी है कि इसे घी की रोटी चाहिए और ये सूखी रोटी अब खाती नहीं है। देखना मैं इसे रोटी डालूंगी और ये खा लेगी क्योंकि घी वाली होती है। तू क्यों ले जा रहा है कुत्ते? देखो भाग गई लेके, अगर ये बिना घी की रोटी होती ना तो नहीं लेके जाती। ये मेरे पेड़ों को अब खाद की जरूरत है क्योंकि अब इनमें फूल आने लगे हैं और सब्जियां भी आने लगी है काफी अच्छी, लेकिन इनको अभी खाद की जरूरत है। तो केमिकल वाला खाद नहीं घेरेंगे हम, देसी खाद घेरेंगे जो कि वो है। तो चलिए वहां से लेके आते हैं उसको। देसी खाद को आज हम डालेंगे हमारे पेड़ों में ताकि ये और ग्रोथ करें। ऐसे देसी खाद घेर रहे हैं पेड़ों में डालने के लिए। तो ये गांव में तो इजीली मिल जाता है और ये बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, तो मैं तो यही डालती हूँ क्योंकि केमिकल यूज करने से अच्छा है हम कुछ ऑर्गेनिक यूज करें। और इससे देखना कितने अच्छे ग्रो करेंगे हमारे जो पौधे हैं। सारे पेड़ों में डालेंगे और कुछ ये जो ये कैमरे के पीछे हो रहा था इसके मुंह में डाल देंगे। तेरे मुंह में डालूंगी मैं फिर बस। तो एक एक करके मैंने सभी में डाल दिया है। देख काला बत्ता हुआ रहा है, चाहिए क्या तुम्हें सब्जी के लिए? खड़ा रहा है ये, आ रहा। ये है मेरी प्याजे हैं जो बड़ी हो चुकी है, ये भी तुमको प्याज। अगर आपको ऐसे ही गार्डन टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई गार्डन की टिप्स देती रहूँगी। और जल्दी मैं आपको कूड़े कचरे से भी एक गार्डन टिप दूंगी कि कूड़े कचरे से भी आप कैसे पौधों में खाद बना के डाल सकते हैं। तो उधर तो मैंने सारे पौधों में घेर दिया है खाद, अब बारी है यहाँ की। यहाँ देखो क्या कर दिया जेसीबी ने, ये देखो पूरे पूरे पे माटी उठेल दी जेसीबी ने, तो मैंने हटाई और अभी इसमें पानी दिया है। काफ़ी सारे पेड़ पौधे थी जो सारी टूट चुकी हैं, ये देखो अब इनमें खाद डालूंगी मैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले यहाँ डालते हैं भिंडियों में, फिर उसके बाद उधर डालेंगे। मेरे कैमरामैन जा चुका है, मैंने उसे गुस्सा दिला दिया था इसलिए मुझे ही करना पड़ रहा है, क्या करूँ ऐसे ही हो गए। तो इसमें और निकलते कंचले, खा सकते हैं मुझे। इधर की साइड तो हो चुका है, अब गिरेंगे उधर टमाटरों में। तो बारी है टमाटरों की, यहाँ पर गिरती हूँ मैं। सबसे पहले तो यहाँ गिरूंगी, ये जो पौधे वो तोड़ के गए हैं ना, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है खाद की।
सारे पौधे टूट चुके हैं जो पेड़ मैंने लगाए थे सब, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसे ही गार्डन टिप्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही सस्ते में अच्छा ये क्या बोलते हैं सब्जियां दे सकती हूँ, मतलब तरीके सब्जियां उगाने की बिना पैसे खर्च किए। आप अपने घर में उगा सकते हो सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी। तो गिर दिया है मैंने खाद यहाँ पे भी यहाँ पे भी, और ये देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं यहाँ। तो आप भी ऐसे उगा सकते हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं ऐसे ही नई गार्डन टिप्स देती रहूँगी। और कूड़े कचरे से कैसे आप सब्जियों को ग्रो करवा सकते हैं बिना किसी केमिकल खाद के, वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। तो फिलहाल तो ये सबसे अच्छा खाद है गोबर का, इससे सब्जियाँ आप देखना कितनी अच्छी ग्रो करेंगी। वैसे तो कर ही रही हैं ऑलरेडी, देखो कितने सारे एक ही पेड़ में कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं तो आप देख सकते हो। और ये पौधे, ये जो छोटी छोटी पौधे हैं ना, ये मिर्चियों के पौधे हैं ये, अब देख सकते हो आप कितनी सारी लगी हुई है। ये मुरझा गई है क्योंकि इसके ऊपर ये पूरी जो मिट्टी थी ना, ये पूरी इसके ऊपर ढक दी थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने धीरे धीरे करके हटाए और देखो एक भी पौधे नहीं टूटी है। कुछ टूट चुकी हैं जो बड़ी थी, लेकिन ये छोटी हैं जो बच गई है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे खाद डाला है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये मैंने अभी अभी उगाया है तो इसमें डालेंगे पानी। ये डाल दिया है मैंने पानी, यहाँ भी डाल देती हूँ। यहाँ मैंने मिर्ची के बीज ये दे तो ये भी उग जाएंगी साथ ही साथ। तो ये देख सकते हो आप, पूरे में मैंने गिर दिया है खाद। हेलो गाइस, क्या हो रहा? तुम घड़ों में जो आए कण की तरह बिके हुए 5 लाख। देखो हमारा कितना बड़ा टमाटर का पेड़ है। ये बेवकूफ इंसान है, इसे इग्नोर करो। ये देखो मेरा कितना प्यारा गार्डन है गाइस। इसमें मैं सोचती हूँ ठंडी ठंडी लगती है हवा, वहां से लेके यहाँ तक मैंने पूरे में डाल दिया है गोबर का खाद। अब देखना ये पौधे कितना अच्छा ग्रो करेंगे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको मेरी गार्डन टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट करना, और इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा सही होती है पौधों के लिए। तो आप देखना, अब देखना ये पौधे कितने अच्छे सब्जियां देंगे मुझे। अब इन मैंने सब में इनमें वो डाल दिया, और वो पीछे बेवकूफ़ है यार, रोज़ सिगरेट की डिब्बियाँ पटक के जाता है जान पूछ के मेरे पेड़ों में। तो मैं अभी उसे ही सुना रही थी, स्टाइल मार रहा है बेवकूफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे हाथ गंदे हैं तो मैं अपने फ़ोन को तो हाथ लगाने वाली नहीं हूँ। बाय बाय।